हाँ जी तो ग्रेड सिक्स हम बहुत दफा ये वर्ड पढ़ चुके हैं सबसे पहले तो मुझे बता दें कि किस किस को याद है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है हम्म वेरी गुड तो स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बहुत दफा बात की है हमने इसी तरह एक्टिव पैसिव के बारे में भी बात की है तो आज का हमारा जो काम है वो यही है हमने इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर लिखना है क्या लिखना है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारी इस टेक्स्ट में जो हमने एरिक और द वाइकिंग्स के बारे में पढ़े थे उसके अंदर लिखे हुए हैं हमारा काम यह है कि हमने उन डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट में लिखना है ठीक है यानी किसी के कहे गए अल्फाज हमने क्या करना है बदल के लिखने हैं इनडायरेक्ट वे में, में लिखने हैं इस बात का पूरा प्रोसीजर यानी पूरा तरीका हम पहले बहुत दफा कर चुके हैं तो आज हमने सिर्फ छोटी सी रिविजन करनी है आज का लेसन 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 से स्टार्ट होगा मैंने इस लेसन को नंबर लेसन कहा है पेज जो दी है, बच्चों वो हमने नहीं करनी हम कुछ काम स्किप कर रहे हैं हम करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट काम ठीक है ओके तो आज के काम को स्टार्ट करते हैं यहाँ से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं इन ईच ऑफ दिक्चर्स दर्ड ऑफ एरिक आर प्रेजेंटेड इन स्पीच बबल्स हर एक पिक्चर में आपकी बुक में इन इंस्ट्रक्शंस के नीचे क्या बना हुआ है पिक्चर्स बनी हुई आप उन तस्वीरों को देखें हर तस्वीर के साथ आपको एक स्पीच बबल नजर आएगा और उसके साथ नीचे एक बॉक्स नजर आएगा स्पीच बबल के अंदर हमने क्या लिखना है कौन बताएगा हाँ जी हमने लिखनी है डायरेक्ट स्पीच ठीक है जो एरक और उसके आदमी यानी एरक एंडमेन स्पोक

सबसे पहले आपने वही बात कि जितनी भी इनडायरेक्ट स्पीचेस हैं उनको लिखना है उसके बाद स्टार्ट विद एरिक और हूएवर इज स्पीकिंग सेड दैट हमने क्या करना है लिखना है एरिक सेड दैट या जिसका भी नाम आएगा जो भी उस बात को कर रहा होगा उस स्पीच को कर रहा होगा या बोल रहा होगा उसका नाम लिखेंगे और आगे हम क्या यूज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसको याद है रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या होती हैं वेरी गुड मैं उम्मीद करती हूं कि आपको वो लेसन अभी तक याद है जो हमने मिलकर पढ़ा था रिपोर्टिंग स्पीचेस के ऊपर ओके थर्ड इंस्ट्रक्शन चेंज द प्रोनाउन इन द बबल अप्रोप्रिएटली यानी मुनासिब तौर पे आपने क्या करना है जहां पर आपको नजर आए कि प्रोनाउन चेंज होगा कैसे प्रोनाउन कौन कौन से यूज हुए हुए हैं आई यू दे देम इनको हमने किस तरह चेंज करना है अगर उसके मेन की बात हो रही है प्लूरल में तो देम लगाएंगे या दे यूज करेंगे अगर एरक की बात की जा रही है या किसी एक पर्सन का नाम है तो हम सिंगुलर प्रोनाउंस लगाएंगे आई और यू तो ये सारी बातें ग्रामर की आज इसमें रिवाइज होती जाएंगी ओके अब जल्दी से आप इस पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, क्योंकि बाकी की जो इंस्ट्रक्शंस है यानी बाकी की हदायत कहां लिखी है पेज नंबर 238 के ऊपर

हाँ जी हमारा जो इनडायरेक्ट क्लॉज होगा यानी वो जो क्लॉज हम बनाएंगे तो उसमें का चेंज हो जाएगा फ्यूचर टेंस में तो ये बात मैं उम्मीद करती हूं कि आपको यहाँ तक समझ आ गई है और जब हम इन सेंटेंसेस को उन स्पीच बबल्स में और उन बॉक्सेस में लिखेंगे तो तब आपको ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी और आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी सबको ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है ओके अब हम इन इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए वो सेंटेंसेस पूरे करने लगे हैं तो आइए इस काम को जल्दी से कर लेते हैं हाँ जी तो ग्रेट सिक्स आप जल्दी से अब टू थर्टी एट पेज नंबर पे आ जाएं क्योंकि वहां पर ये सारा टेबल लिखा हुआ है आपकी बुक में पेज टू थर्टी एट के ऊपर आपको एक येलो बॉक्स नजर आ रहा होगा उस येलो बॉक्स के अंदर एक साइड पे लिखा है ये सारे नाम और उनके आगे ये लिखा है कि किसके बबल में क्या बात लिखनी है जो आपने काम पेज टू थर्टी सेवन पे करना है वो यहाँ लिखा है मतलब आपने बबल्स के अंदर कौन सी बात लिखनी है ये वाली जो मैंने ब्लू में लिखी है ठीक हो गया उसके बाद आपने जो स्पीच है चेंज करके जो लिखना है स्पीच वो आपने और कहा वेरी गुड चले इस काम को स्टार्ट करते हैं हमें सबको इनडायरेक्ट स्पीचेस बनानी तो आती हैं तो आइए इस काम को स्टार्ट करते हैं जल्दी से रेकनास बबल आई एम रियली फ्राइटन सो हम लिखेंगे सबसे पहले Noun. regnar said. आगे हम क्या लिखेंगे दैट अब हमने इनडायरेक्ट में लिखना है तो हम क्या करेंगे नाउन को चेंज कर देंगे प्रोनाउन के साथ दैट ही एम में चेंज हो जाएगा पास में वेरी गुड ही वॉज रियली फ्राइटन उसने कहा कि वो बहुत डरा हुआ था और आगे फुल स्टॉप समझ आ गई ये बात जल्दी से इसको साथ साथ पेज नंबर टू थर्टी सेवन पे फिल करते जाए ओके बबल। वी शेल फाइंड वट वी आर लुकिंग फॉर हम यहां लिखते हैं एरिक दे दे वुड शेल चेंज हो जाएगा वुड में क्योंकि इस मॉडल वर्ब की जो फ्यूचर फॉर्म है वो है वुड दे वुड फाइंड वाट वी किसमें चेंज होगा दे वर लुकिंग फोर ठीक हो गया ओके नेक्स्ट एरिक्स पबल वी मस्ट रो फास्ट एरिक्स सेट वी बिकम्स दे

गोइंग ऑन दिस जर्नी अब एक बात यहाँ बहुत से बच्चे भूल जाएंगे वो क्या है क्वेश्चन मार्क लगाना यह बात भूलनी नहीं है आपने कि चाहे हम इसको इंटायरेक्ट में लिखें या डायरेक्ट में लिखें क्वेश्चन विल रिमेन द क्वेश्चन ठीक है थॉक इट सेट दैट वाई वॉज देयर मास्टर गोइंग ऑन दिस जर्नी ओके नेक्स्ट एरेक्स बबल टमोरोल रिपेयर गोल्डन ड्रैगन एंड कंटिन्यू ऑन आर जर्नी Eric सेट दैट Eric ने कहा टूमोरो वी किसमें चेंज हो जाएगा दे में दैट repair गोल्डन ड्रैगन गोल्डन ड्रैगन किसका नाम था हां जी उनकी शिप का एंड कॉन्टिन्यू ऑन आवर विल बी चेंज इन टू क्योंकि प्रोनाउन है देअर जर्नी हमने इसको भी क्या कर दिया पैसिव कर दिया और फुल स्टॉप लगा दिया यहां तक ये सब फिल कर लिया आपने मेरे साथ ऑल राइट बटो अब हम बाकी के जो तीन रह गए हमारे पास डायरेक्ट स्पीचेस उनको इनडायरेक्ट में चेंज करके उस बॉक्स में जल्दी से लिख लेते हैं

तो हम यहां लिख लेते हैं brand, said that. अब ये ऐसी बात है जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म की वर्ब नहीं नजर आ रही तो इन फ्रेजेस को ऐसे ही लिखा जाएगा सेट दैट रॉक्स टू स्टार बोर्ड और आगे हम क्या लगा देंगे कॉमा ताकि हम दूसरे फ्रेज को इसके साथ जोड़ सकें रॉक्स टू पोर्ट अगर आप चाहें तो इसकी जगह एंड भी लिख सकते हैं दोनों सूरतों में ही ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी ओके एरेक्स बबल यू मस्ट बी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग एज लॉइंस माई मैन तो हम यहां लिखते हैं एरिक किससे बात कर रहा है एरिक यहां पे मेंशन है कि वो अपने मैन से बात कर रहा है. तो अगर स्पीच में नाम mention है कि जिससे बात की जा रही है उसको हम यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच में लिख देंगे एरिक सेट किसे टू माई मैन और हिज मैन वेरी गुड टू हिज मैन दैट अब यहां पर हम ये वाला क्लॉज कॉपी करते हैं दैट दे मस्ट बी ब्रेव एंड स्ट्रांग एज फुल स्टॉप समझ आ गई ये बात ओके okay. ओके okay, जी रॉडकर आई डायरेक्ट स्पीच है बात किसकी हो रही है हम लिखते हैं दैट ही विस्ट प्रेजेंट में है तो किसमें चेंज हो जाएगा पास्ट में और पास्ट में चेंज करने के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल ईडी लगाएंगे दैट ही विस्ड ही वॉज एट होम अवे फ्रॉम दिस टेरेबल स्टॉम ऑल राइट सबने लिख लिया ओके okay, जी एरेक्स बबल लास्ट वन यू आर द बेस्ट ऑफ मेन एंड वी शेल सक्सीड एरेक्स सेड दैट दे वर द बेस्ट ऑफ मेन एंड दे शेल किस में चेंज होगा They would succeed. और वो लाज़मी जीत जाएंगे यहां तक मैंने आपके साथ मिलके सॉल्व कर लिए डायरेक्ट स्पीचेस को लिख भी लिया और साथ ही साथ उन डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया मैंने जहां जहां प्रोनाउन चेंज की है जहां जहां वर्ब चेंज किया है और जहां जहां मैंने वो बात लिखी है जिसके बारे में बात की जा रही थी यानी उस शख्स का नाम लिखा है उस पर्सन का नाम लिखा है जिसके बारे में बात की जा रही थी या उसका नाम मेंशन था उसको हमने यूज करके इंटरक्ट स्पीच भी बना ली बच्चों यहाँ तक आज का लेसन होता है खत्म मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी जो रिविजन आज हमने की है इंटरेक्ट स्पीचेस की ये आपने मेरे साथ सीखी भी होगी और इसको अपनी बुक पे सॉल्व भी किया होगा थैंक यू सो मच वॉचिंग टू डेज लेसन बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने जा रहे हैं एक पोइट्री और ग्रामर का एक छोटा सा टास्क तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़